तो रवि की आय है अस्सी हजार और लाभ है सोलह हजार जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर तो अगर इसका परसेंटेज देखते हैं हम तो सौ में से कितना है ये सवाल आपके पास है तो आपने किया होगा अब तक तो सोलह हजार को आपको आप भागाकार करना है उसका अस्सी हजार से और उसको सौ से गुनना है तो आपके पास बीस प्रतिशत या ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी तो इसको विस्तार से तो हम आगे देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी या लाभ प्रदता तो को कैसे यूज करना है पर अभी थोड़ा अंदाज उसका लगा लेंगे तो हम जब कहते हैं कि 20 प्रतिशत प्रॉफिटेबिलिटी है बिजनेस की तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने सौ रुपया कमाया है कस्टमर से जिसको हम आय कहेंगे या रेवेन्यू कहेंगे उसमें से अगर आप सारे आपके कॉस्ट घटा दो तो आपके पास बीस रुपया बचेगा यह मतलब हुआ बीस परसेंट प्रॉफिटेबिलिटी का तो इसीलिए इसको समझना जरूरी है ताकि अंग्रेजी में कहेंगे बिजनेस की एफिशिएंसी क्या होती है अब एफिशिएंसी का मतलब क्या है आप अगर कहीं गन्ने का रस पी रहे, पीने जा रहे हो तो रस वाला जब गन्ना डालता है तो सिर्फ एक बार नहीं डालता है वो एक बार उसको निचोड़ लेता है फिर वो फिर से डालेगा दो तीन बार डालेगा और जब आखिरी बूंद रस की निकल जाएगी वो गन्ने से तभी वो गन्ने को छोड़ेगा तो ये नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो उसको हम कहेंगे आगे चल के वो हमको ये दर्शा रही है कि आप अगर सौ रुपया आय में कमा रहे हो उसमें से आप अगर घटा देंगे आपके सारे कॉस्ट तो कितना बचेगा वो आपका है और इस उदाहरण में उसका नंबर है बीस प्रतिशत तो चलो आगे बढ़ते हैं आपको याद होगा फोर सी प्लस सी में चौथा जो भाग था वो था कैपिटल का पूंजी का तो आइए वो देखते हैं अभी क्या है तो पूंजी किस चीज को कहते हैं तो पूंजी उस चीज को या उस धन को कहते हैं जो व्यवसाय को दो चीजों के लिए काम आ सकती है और जो दो चीजों के लिए आवश्यक भी है सिर्फ काम आ, आने की बात नहीं हो रही है आवश्यकता की भी बात हो रही है तो सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है बिजनेस को हर बिजनेस को कोई ना कोई सर्विस हो या प्रोडक्ट हो जिस जो हमने देखा है अभी तक उसका निर्माण करने के लिए उसके लिए मशीन लगते है कई बार कई बार लैंड लगती है मतलब भूमि लगती है कई बार आपके पास उसकी स्टोरेज की आवश्यकता हो जिसको भंडार गृह कहेंगे हम हिंदी में इन चीजों के लिए जो पैसा लगता है जो पैसा आपको उसमें डालना पड़ता है उसको हम फिक्स्ड कैपिटल या हिंदी में कहेंगे अचल पूंजी तो एक ये तरह एक तरह की पूंजी ये हो गई दूसरी तरह की पूंजी है जो आपको रोजमर्रा की चीज करने के लिए काम आएगी जैसे आप कच्चा माल खरीदेंगे या किराया देंगे आपके दुकान का या फिर आपके साथ कोई काम करने वाला आदमी या दीदी है उसका वेतन देंगे ये सब चीजों के लिए जो पैसा आपका खर्चा आएगा रोजमर्रा की चीज है उसके लिए उसको हम वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी कहते हैं तो ये दो तरह की पूंजी बिजनेस में आवश्यक होती है किसी भी बिजनेस में भले वो सर्विस वाला हो भले प्रोडक्ट वाला हो या फिर ट्रेडिंग वाला हो तो ये आपका मुख्य बिंदु आपको दिखाई दे रहा है व्यवसाय में पूंजी के दो प्रकार है एक है फिक्स कैपिटल अचल पूंजी और दूसरा है वर्किंग कैपिटल जिसको हम कहेंगे कार्यशील पूंजी ये तो चीज जो है इसके बारे में सोचना किसी भी उद्यमी को बहुत ही आवश्यक है बिजनेस की शुरुआत से पहले पर सिर्फ इतना आवश्यक नहीं है जब कोई भी उद्यमी बिजनेस की शुरुआत करता है उसके बाद परिस्थिति बदल जाती है और हो सकता है वो जो सोच रहा हो कि भाई वर्किंग कैपिटल तो हमको सिर्फ दस हजार रुपए चाहिए महीने का एक बार बिजनेस चालू होने के बाद उसको पता चलेगा नहीं भाई दस हजार से काम नहीं हो रहा है बारह हजार कम से कम चाहिए तो इसका मतलब है बिजनेस चलाते वक्त भी इसके बारे में सोचना है और जब चलाते चलाते अगर बिजनेस सक्सेसफुल है और आपको आगे बढ़ाना है उसका उसको ग्रो करना है तो कार्यशील पूंजी और फिक्स्ड कैपिटल दोनों चीज फिर से आ जाएंगी आगे हम देखेंगे मॉड्यूल में जो ग्रोथ मॉड्यूल जिसको हम कहेंगे उस, उसमें हम जरूर चर्चा करेंगे कि अगर आपको बिजनेस का की ग्रोथ करनी है या बिजनेस को बढ़ाना है तो हो सकता है और मशीनें खरीदे हो सकता है आपको इमारत खरीदनी पड़े हो सकता है आपको चार दीदियों को और नौकरी पे लगाना पड़ेगा इसके लिए जो अधिकतम पूंजी आपको लगेगी वो फिर से आपको दो भागों में विभाजित करनी पड़ेगी एक फिक्स कैपिटल होगा और दूसरा होगा वर्किंग कैपिटल तो इसका मतलब है ये कैपिटल के बारे में सोचना जो है उद्यमी को तीनों तीनों बार सोचना पड़ेगा एक तो बिजनेस चालू करने से पहले दूसरा चालू होने के बाद में और तीसरा जब बिजनेस ठीक या अच्छे से चल रहा है और उद्यमी को लग रहा है कि नहीं भाई इसको थोड़ा आगे और बढ़ाना है ग्रो करना है उस वक्त भी पूंजी के बारे में सोचना जरूरी है आपको पांचवा घटक हो गया फोर सी प्लस सी ढांचे का जिसको आपको याद होगा हमने कहा था बिजनेस एनवायरमेंट हिंदी में हम कहेंगे कि वो कारक जो बाहरी कारक है जिसका मतलब है बिजनेस के बाहर है पर जिनका प्रभाव या असर बिजनेस पर बहुत तगड़ा हो सकता है उन चीजों को हम अंग्रेजी में बिजनेस एनवायरमेंट कहते हैं तो इसमें कई सारे कारक मौजूद है इसको हम हिंदी में अगर आप ट्रांसलेशन देखेंगे तो व्यवसायिक वातावरण भी कहा कहा जा सकता है पर इसको अंग्रेजी में आप सोचेंगे तो बढ़िया रहेगा क्योंकि अंग्रेजी जो, जो शब्द है एनवायरमेंट और हिंदी का जो शब्द है वातावरण इसका ट्रांसलेशन तो ठीक है पर इसका इस्तेमाल हम ठीक से नहीं कर पा रहे अगर आप वातावरण देखेंगे वो तो आपको हवा पानी की बात कर रहे हैं ऐसा लगेगा ऐसी ये बात नहीं हो रही है ये हम उस उन की बात कर रहे हैं कि जो कारक हमारे बिजनेस को प्रभावित करेंगे तो आइए देखते हैं कौन से कारक होते हैं जो अक्सर व्यवसाय को प्रभावित करते हैं सबसे पहला कारक है आप कानून जो है जिस जिस जगह आप काम कर रहे हो उस गांव का उस शहर का उस राज्य का उस देश का कानून है और नियम भी है और वो नियमों का पालन करना वो कानूनों का नाल, पालन करना ये बिजनेस का कर्तव्य है और कानून अक्सर बिजनेस की सहायता भी कर सकते हैं और कानून अक्सर बिजनेस पर जिसको अंग्रेजी में कहेंगे प्रेशर डाल सकते हैं कॉस्ट के बारे में एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको अगर सरकार ने कानून बना दिया कि प्लास्टिक का बैग जो होता है उसको हम बैन कर देंगे उसका इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि उससे प्रदूषण बढ़ता है और अगर आपका बिजनेस है किराने की दुकान और आप चीनी खरीद के थोक में आपकी दुकान में बेच रहे हो मान लो अब कोई दीदी आके 200 ग्राम चीनी चीनी आपसे खरीद रही है और आप उसको प्लास्टिक बैग में डाल के दे रहे हो अगर ये कानून आ गया तो आप ये नहीं कर सकते बिजनेस में तो आपको दीदी को बोलना होगा दीदी आप घर से बर्तन ले आइए फिर हम उसमें चीनी डाल के आपको देंगे तो हो सकता है दीदी को ये पसंद ना आए हो सकता है आपका बिजनेस चौपट हो आपके पास कस्टमर आना बंद कर दिया है। तो इसको आपको पहले से ही सोचना है कि भाई किस तरह के कानून है जिसका असर हमारे बिजनेस पे हो सकता है तो एक बड़ा भाग जो है व्यवसाय को प्रभावित करने वाले बाहरी कारकों का वो पहला भाग है कानून और नियम दूसरा है कि आपके पास जो टेक्नोलॉजी है जिसको अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी कहेंगे या हिंदी में कहेंगे तकनीकी तो तकनीक जो है या टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है मार्केट में उसका भी असर बिजनेस पर बहुत ज्यादा पड़ता है अब किराने की दुकान की बात हो रही है तो वही आगे बा, बात बढ़ाएंगे अब दीदी को आप 200 ग्राम नाप के कैसे देंगे आप वजन डालेंगे 200 ग्राम का तराजू में पर ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई आपके गांव में आपने शायद देखा होगा कि कई कई सारे किरानों दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है आजकल इसका मतलब है पुराना तराजू नहीं होता है वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक होता है जो डिस्प्ले में दिखा देगा आपको कि इसका इसका वजन कितना है तो आप दीदी को बोल सकते हो दीदी आपको कितना चाहिए दीदी बोलेगी दो सौ ग्राम चाहिए तो आपने दो सौ ग्राम डाल दिया वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन पे और दीदी बोली नहीं यार थोड़ा और दो क्योंकि थोड़ा कम लग रहा है तो आपने थोड़ा और एक मुठ्ठी में डाल दिया लेके चीनी और वो हो गया दो ग्राम तो दो ग्राम आपको अगर तोलना है पुराने तरीके से पुराने टेक्नोलॉजी से तो मुश्किल हो जाएगी क्योंकि 30 ग्राम का वेट शायद आपके पास ना हो पर अगर इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन से आप कर आप उसको तोल रहे हो तो आसानी हो सकती है आप 10 ग्राम 5 ग्राम भी दे सकते हो किसी को तो इसका मतलब है टेक्नोलॉजी अवेलेबल जो है आपके पास आपके पास हो या ना हो पर मार्केट में अवेलेबल है आप खरीद सकते हो इससे भी आपके बिजनेस पर असर पड़ सकता है अच्छा भी पड़ सकता है बुरा भी पड़ सकता है ये तो उदाहरण मैंने दिया था अच्छा बिजनेस का अच्छा असर होने का अब आपको एक और उदाहरण दे रहे टेक्नोलॉजी से असर पड़ेगा पर वो बुरा हो सकता है मान लो आपके पास बिजनेस है आपके पास फोन है और गांव में ज्यादातर लोगों के पास फोन नहीं है और आप कह रहे हो कि भाई हमारा फोन है आप इस्तेमाल कर सकते हो हर कॉल के लिए आपको तीन रुपए हम चार्ज करेंगे जब तक गांव वालों के पास फोन नहीं है आपका बिजनेस चलेगा जिस दिन गांव वालों के पास फोन आ गया आपका बिजनेस बैठ गया तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का असर दोनों तरफ से हो सकता है आपकी हेल्प भी कर सकता है टेक्नोलॉजी या फिर आपका बिजनेस इस तरह हो कि टेक्नोलॉजी आने के बाद बिजनेस चौपट भी हो सकता है तो इन चीजों के बारे में आपको पहले सोचना जरूरी है बिजनेस की शुरुआत करने से पहले तीसरा है आपके जो आपूर्ति कर आपूर्ति करता जो है जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे सप्लायर्स क्या आपके गांव में वो अवेलेबल है क्या ये जानना जरूरी है आपका अगर आम के अचार का बिजनेस है आम के अचार बनाने का तो आप आम कहाँ से लाएंगे आपके घर में आम का पेड़ है तो ठीक है आप पेड़ पेड़ चढ़ के आम जब कच्चे आम है तो उनको निकाल के आपका आप उनका अचार बना सकते हो पर आपको अगर ज्यादा आम चाहिए और आपके पेड़ को को ज्यादा आम नहीं लगे हैं इस बार इस मौसम में तो आपको कहीं और से खरीदने पड़ेंगे वो क्या ऐसे बेचने वाली व्यक्ति कोई है आपके गांव में जो आपको जितनी कीमत आप चाहो और जितना माल आप चाहो वो दे सके तो ये भी आपको देखना है कि अवेलेबिलिटी सप्लायर्स की है या नहीं है अगर कहीं दूर गांव जाके आपको आम खरीद के लाने हैं तो हो सकता है कि आम की कीमत जो आप वहां चुकाएंगे और आम को ले आने का जो भाड़ा है वो अगर उसको जोड़ेंगे तो हो सकता है आपका आचार बहुत महंगा पड़ेगा लोगों को तो तीसरा आपको अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लायर्स के बारे में भी सोचना है चौथा है हुनर जिसको अंग्रेजी में कहेंगे स्किल और वो हुनर की आप, आपके पास उपलब्धता है या नहीं है ये भी आपको देखना है बिजनेस की शुरुआत करने से पहले आप भले ही चाय की दुकान तो डाल दी आपने आपको चाय बनानी आती नहीं है तो बिजनेस कैसे चलेगा लोग बोलेंगे यार चाय पिला रहे हो या क्या क्या पिला रहे हो ये तो इसका मतलब है अगर आपके पास ये स्किल नहीं है या हुनर नहीं है चाय बनाने की तो आपको सीखना चाहिए किसी से जो कोई एक्सपर्ट है चाय बनाने में या फिर आपको किसी को रखना है नौकरी पे जिसको चाय बनानी आती है तो ये पहले से सोचेंगे तभी आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि भाई मैं खुद चाय बनाऊं या किसी और को यहाँ रखू तो हुनर की उपलब्धता होना ये बड़ी आवश्यक चीज है और ये चौथा अंग है चौथा कारक है पांचवा है भले आपको आपने माप तो लिया कि कितनी पूंजी चाहिए पर ये पूंजी आएगी कहाँ से चौथा कारक आपको याद होगा फोर सी प्लस सी में जो अभी हमने देखा इसके पहले कैपिटल की बात हो रही थी और हमने कहा दो चीजें दो, दो तरह के कैपिटल होते एक फिक्स्ड होता है दूसरा वर्किंग होता है वो तो आपने सोच लिया कितना वर्किंग चाहिए कितना फिक्स कैपिटल चाहिए पर वो आएगा कहाँ से आपके जेब से आएगा तो आपके पास पैसा है आपके पास नहीं है तो बैंक देगी आपको लोन ये सोचना भी जरूरी है अगर बैंक ने कोई नई स्कीम बनाई है कि भाई आपके गांव में आपका बिजनेस आप जब चालू करेंगे तब हम आपको लोन दे सकते हैं तो शायद आपको आसानी है कैपिटल लेने के लिए पर अगर बैंक बोल रही है कि नहीं भाई आपका बिजनेस कम से कम तीन साल आप चलाएंगे उसके बाद ही हम लोन दे सकते हैं तो फिर मुश्किल आ गई बिजनेस चालू करने के लिए आपके पास लोन नहीं मिल सकता है आपको तो ये इन चीजों के बारे में भी आपको सोचना जरूरी है इसीलिए हमने यहाँ पांच उदाहरण दिए तो आपको ये याद रखना है कि ये जो पांच चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ ये सिर्फ पांच चीजें नहीं है ये पांच चीज मैं उदाहरण दे रहा हूँ कई सारी ऐसी चीजें हैं जो व्यवसाय को प्रभावित करती है और पांच जो मैंने उदाहरण दिए हैं ये इसको हम कॉमन उदाहरण कहेंगे सर्वसाधारण उदाहरण है जो सारे के सारे बिजनेस में लागू हो सकने की जिसको अंग्रेजी कह कहेंगे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है तो ये पांच चीजों के बारे में तो आपको सोचना ही है पर इन पांच चीजों के अलावा भी कुछ चीजें हो सकती है तो ये, आद, ये आप थोड़ा याद रखिएगा। तो ये हमारा बिजनेस वायबिलिटी फ्रेमवर्क या व्यवसाय की व्यवहारिकता ये जो हमने फोर सी प्लस ई का ढांचा देखा है वो बड़ी काम की चीज है और आगे के जो मॉड्यूल आएंगे अब आप देखेंगे एक एक करके उसमें हर सी की बात आगे बढ़ाएंगे हम और हर ई e की बात भी आगे बढ़ाएंगे हम तो इसीलिए ये वायबिलिटी फ्रेमवर्क या व्यवसाय की व्यवहारिकता वेवरेक, का दायरा या ढांचा आपको समझना जरूरी है आइए अब आगे का टॉपिक पे चलते हैं नंबर सिक्स जो है इसको अंग्रेजी में कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और हिंदी में भी कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्योंकि इसका सरल ट्रांसलेशन अच्छा खासा चपखल नहीं है हिंदी में तो इसको हम कहेंगे व्यवसाय के जो मालिक होते हैं उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है ये आप समझेंगे इसका मतलब क्या है